इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रीवा से, जहां सरपंच पति के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया है। बताया जाता है कि सबरस पंचायत की नवनिर्वाचित सरपंच रेखा रावत के पति मुकेश उर्फ भोले के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया है। निर्विरोध चुनी गई सरपंच रेखा रावत के पति के ऊपर बुच्ची साहू और कल्लू सिंह पटेल नाम के युवकों ने हमला किया है। घटना की जानकारी के बाद सरपंच के परिजन एकत्र हो गए और देखते ही देखते खासा भीड़ एकत्र हो गई है। फिलहाल सरपंच पति की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि चुनाव के बाद लगातार मारपीट की घटना घटित हो रही है। एक ओर जहाँ विरोधी हत्या के प्रयास कर रहे हैं, वहीं दुष्कर्म जैसे मामले में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। अभी पुलिस एक सरपंच पति की हत्या के मामले की गुत्थी सुलझा भी नहीं पाई थी कि दूसरी सरपंच पति के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाइश दे रही है, वहीं घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह सरपंचों की हत्या की जा रही है। जो गरीब दल का सरपंच बनता है, किस तरह की सरपंचों की हत्या की जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा मामला बर्दाश्त है। या कौन कारण भैया सरपंच की हत्या कई दिन गए? सरपंच आपसी विवाद में मार, गरीब परिवार से रहिए गए थे, ये खातिर है ना। निरंतर सरपंचों की हत्या की जा रही है, निरंतर हत्या की जा रही है। यह मेरी शासन प्रशासन से गुजारिश है कि तत्कालीन मुजरिम के खिलाफ FIR हो और गरीब जनता जनार्दन को न्याय मिल सके। ये सरपंच के कौने कारण हत्या हुई भैया? गरीब है, कौन है वो? अच्छा, इसलिए हत्या हो गई। इसलिए देखिए गरीबों का किस तरह का अपमान किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। शासन प्रशासन शांत है, अभी स्थल में कोई पुलिस बल नहीं पहुंचा है। हमारी हत्या में भी लगे हैं, मैं भी नवनिर्वाचित सरपंच हुआ हूँ, जो कि निरंतर मुझे फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है। मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ। इस तरह लोकतंत्र में बचा ही नहीं है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। गरीब असहाय पीड़ित जो जनता चुनती है, उसकी हत्या हो रही है। कहाँ है शासन प्रशासन? किसी दिन हमारे भी पंचायत में हमारी भी हत्या कर दी जाएगी, आप लोग देख सकते हैं।